जाय साहब, लिफाफों के ज़माने तो गए, लिफाफा अगर पकड़ा जाए ना तो सीधा जेल हो जाती है। जी जी, आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल। सर ये बैग मिला, इसमें पैसे हैं सर। तहसील, तहसील, गिरफ्तार कर लो इसे। अरे मैंने उसे कई मरतबा समझाया कि हौला हाथ रखे वरना पकड़ा जाएगा, मगर वो तो हमारी भाभी की मुट्ठी में बंद गुलाम बना, उनके हुक्म की तामील किया जा रहा था। अब अगले पिछले हिसाब खुद देगा। अरे बुराई का अंजाम बुरा। बड़ी अकड़ती थी ना तहसीन अपने पैसे और अपने जेवर पर, अब न पैसा रहा और न जेवर। अम्मी तौबा करें, अल्लाह दुश्मन को भी इतना बुरा दिन ना दिखाए, इतनी शर्मिंदगी और जिल्लत। सबसे बड़ी शर्मिंदगी वाली बात तो ये मीडिया वाले बनाते हैं। अब सुबह से देख ले, चाचा जान की तस्वीर ब्रेकिंग न्यूज की तरह चलाए जा रहे हैं, और साथ में ये भी बता रहे हैं फलां का बेटा फलां का भाई करप्शन में पकड़ा गया। अब एक बंदा तो मुजरिम है, बाकी सारे भी सासे जुर्म में मुब्तला हो जाते हैं, और सबके सामने शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। अरे जाहिद की तो बेटियां नहीं है ना, उसका तो बेटा है, वो भी लोफर और आवारा, मिल जाएगी उसे उसके जैसी। अरे हमारी तो बच्चियां हैं, कल को इसकी भी शादी होनी है, ससुराल वाले क्या कहेंगे? अम्मी ये तो किस्मत और नसीब की बात है, हम में से किसने सोचा था कि ऐसा सब कुछ होगा। तहसीन की हवस जाहिद को ले डूबी, उस अकल के अंधे ने कभी अपनी अकल से काम ही नहीं लिया, जो बीवी ने कहा वो उसने किया, और रिजल्ट तुम्हारे सामने, सारी दुनिया थू थू कर रही है कि इतने नेक बाप के बेटे का ये अंजाम। अब क्या होगा? जमानत तो मुश्किल है, पैसे जमा कराने होंगे वरना सजा का टाइम बढ़ सकता है। लाखों रुपया, अफसोस तो इस बात का है कि लोगों ने कभी हमारी बात सुनी ही नहीं। हाविस और लालच ने दोनों मियां बीवी को अंधा कर दिया था, सजा और बदनामी दोनों एक दूसरे से बढ़कर हैं। दादी अम्मा अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन आप फिक्रमंद ना हो, पापा कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह बेल हो जाएगी। जी तहसीन के पास कब ले चलोगे? जी जी आप जब बोले दादी, कब चलें? आज मत जाइएगा, कल चलेंगे। कितने फोन किए मैंने तुम्हें, कोई जवाब नहीं दिया तुमने मेरी कॉल्स का। कहाँ थे तुम आमिर? तुम्हें अंदाजा भी है मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ? वो तो भला हो खालिद भाई का जिन्होंने आकर सारा मामला संभाल लिया, वरना क्या, जो शर्मिंदगी और बेइज्जती होनी थी वो तो दुनिया भर में फैल गई ना। अब क्या करूं मैं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। पैसों का बंदोबस्त करो, तुम्हारे बाप का जुर्माना देना है। कहां से लाऊं पैसे, सारा पैसा कारोबार में लगा हुआ है और प्रॉफिट जीरो, कहां से लाऊं पैसे और वो भी इतने सारे? आमिर लाखों रुपए दिए थे तुम्हें, तो क्या करूं, वो लाखों रुपए क्या फिर से जाया कर दूं? ये बाप के लिए पैसे जाया करना होगा? मामा मेरा दिमाग ज्यादा खराब ना करें, मैं साफ साफ बता रहा हूं, मैं नहीं कर सकता बंदोबस्त इतनी बड़ी रकम का। और वो रिश्वत के पैसे कौन सा आपने मुझे दिए थे, छुपा कर रखे थे ना, भुगते आप? छुपा कर नहीं रखे थे, संभाल कर रखे थे। कौन से हमने अपना मकबरा बनवाना था, तुम्हारे ही पैसे थे वो, तुम्हें उसकी भी तकलीफ है। चाचा जान को बोलें कि चंद लाख रुपए अपनी भाई की जमानत के लिए लगा दें, उनके खजाने में कोई कमी नहीं आ जाएगी। तुम बेटे होकर जवाब दे रहे हो, वो भाई होकर क्यों मदद करेंगे? सारी उम्र की जमा पूंजी लगा दी हमने तुम पर, तेरी बदनसीबी है। अगर मेरे पास जेवर होता तो मैं भी बेचकर जाहिद की जमानत करवा लेती। पता नहीं किस बदबख्त की नजर लग गई है, मर जाए वो, कीड़े पड़े उसके। ओहो मामा बस बस कर दें, हराम हो गया इस घर में रहना, जा रहा हूं मैं। कहाँ जा रहे हो? आमिर मैं अकेली हूँ, तुम्हारा बाप जेल में है। अब्बू अब जेल में ही रहेंगे, उनकी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं भी जा रहा हूँ।
आमिर, आमिर। या अल्लाह, क्या करूं मैं? पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है। हाँ, बोलो बनास। खुद को सियासी बंदा कहता है और अपने आप को मुस्तकबिल का एमएनए बताता है। उस मुस्तकबिल के एमएनए का मुस्तकबिल खत्म कर दूं, तुम क्या चाहती हो? बस यही, बाकी मैं खुद संभालूंगी। क्या करूंगी? हम तो वाइफ पे कम हैसियत ही सही, लेकिन अपनी तरफ बढ़ने वाले हर हाथ को तोड़ना अच्छी तरह से जानती हैं। जियो शेर की बच्ची हो तुम। शुक्रिया नवाजिश आपकी। वो कल मिलो ना। आपका हुक्म सर आंखों। तुम बोलती बहुत अच्छा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वाह, वो तो बदल ही गई है मेहनाज। सोबत अपना रंग दिखाई देती है, मैं नहीं बदली। मेरा लहजा, अंदाज और स्टाइल बदला है, और ये सारा क्रेडिट रफीउल्लाह को जाता है। आमिर क्या कहता है, उसे पसंद आया तुम्हारा ये नया गेटअप? ना है, मेरी जूती को परवाह। क्या मतलब? यानी तू उसे भी झंडी दिखा रही है? अब ये छोटे मोटे शिकार करते करते मैं थक गई हूँ, तो बात होगी हाई लेवल पर। समझ गई ना? बहुत ऊंचा उड़ रही है मेरी जान, परवाह थोड़ी नीची रखो, कहीं किसी से टकरा नहीं जाना। अब नीचे नहीं आना, अब तो ऊपर ही ऊपर जाऊंगी। बड़े अरसे के बाद अल्लाह ने मौका दिया जिंदगी को बदल कर देखने का। और वो दोनों? वो तो एक दूसरे के दुश्मन हैं और दुश्मन ही रहेंगे। मैं तो बस मैदान के बाहर बैठकर लड़ाई के नतीजे का इंतजार करूंगी। आमिर दूसरे शहर गया हुआ है, उसे पता नहीं है, वरना वो जरूर आता। तुमने उसके मोबाइल पे कॉल तो की थी ना? काफी दफा ट्राई किया पर उसका नंबर ऑफ जा रहा है। लेकिन ये खबर तो सब लोगों ने टीवी और अखबार में पढ़ी होगी, तो वो कैसे लाइल्म हो सकता है? ना तो वो टीवी देखता है ना ही अखबार पढ़ता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो आ जाए। उसे फौरन बुलाओ तहसीन, जमानत के लिए रकम का बंदोबस्त करना है। मैंने वकील से बात कर ली है, लेकिन वो फीस बहुत ज्यादा मांग रहा है। लेकिन वो कह तो रहा है ना कि जमानत जल्दी हो जाएगी। गारंटी दे रहा है। कोई बात नहीं, तुम आमिर से राब्ता करो, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। खालिद, अगर आमिर कल आ जाता है तो मैं परसों ही वकील से मिल लेता हूँ। ठीक है, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, आमिर पैसों का बंदोबस्त कर लेगा। तहसीन तुम रो मत प्लीज, मैंने तुम्हें आज तक रोने नहीं दिया। मैं बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ शायद। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। बस तुम जितनी जल्दी हो सकता है आमिर को बुलाओ, उससे कहो कि फौरन आ जाए, हमें उसकी जरूरत है। बिजनेस तो बाद में भी होता रहेगा, है ना खालिद? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मेरे पास बचा ही क्या है? क्या है मेरे पास जो मैं जाहिद की मदद करूं? तहसीन बहुत परेशान है। अपने अमाल की वजह से जब हम उसे समझाते थे तो वो हमें अपना दुश्मन समझती थी। शैतान के बहकावे में आ गई और हराम के माल का चस्का उसे ले डूबा। कुछ भी हो, औलाद की बदनामी हमारी बदनामी है।
अब अगर औलाद दुख और तकलीफ में तो हमें कैसे सुकून मिल सकता है? अब क्या करें? तुम एक बार भी अपने बाप का पता करने नहीं गए? आमिर वो तुम्हें बुला रहे हैं। जानता हूं क्यों बुला रहे हैं, मगर मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है देने के लिए। अपने बाप की मदद नहीं करोगे? उन्होंने अपने जमा किए हुए सारे पैसे तुम्हें दे दिए, तुम उन्हें चंद लाख नहीं दे सकते? अबू ने मुझे पैसे देकर कोई एहसान नहीं किया, हर बंदा अपनी औलाद के लिए कुछ ना कुछ करता है, और आपने ये चंद लाख की रकम दे के ना मुझे कोई 50 दफा गिनवाया। अरे वो बाप भी तो है जो अपनी औलाद के लिए लाखों करोड़ों की जायदाद छोड़कर जाते हैं, उनकी औलादें ऐश करती हैं ऐश, और हम जैसे दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे पास जो कुछ भी था वो सब कुछ तुम्हें दे दिया, कुछ नहीं छुपाया, इसीलिए आज मोहताज है। अम्मी मैंने बता दिया, अब मुझे बार बार तंग ना करें, एक दो दिन में फारिग हो जाऊंगा तो आ जाऊंगा अब्बू से मिलने। आमिर, आमिर, उसे फौरन बुलाओ तहसील, आमिर पैसों का बंदोबस्त कर लेगा। मैं साफ साफ बता रहा हूं, मैं नहीं कर सकता बंदोबस्त इतनी बड़ी रकम का। पर वो रिश्वत के पैसे कौन सा आपने मुझे दिए थे, छुपा कर रखे थे ना, उठते हैं आप। दिन रात सोता है या आवारा गर्दी करता है? उसे कहो मैं कोई काम कर ले, कब तक मेरी कमाई पर याशी करता रहेगा वो? एक इकलौता बेटा तुम्हारी आंखों में किस कदर छुपता रहता है, है? अरे बाप की कमाई पर बेटा ऐश नहीं करेगा तो क्या पड़ोसी ऐश करेंगे? और वैसे भी सारी उम्र ही कमाना है उसने, करने दो उसे ऐश और मौज। तुम जैसी माएं होती है जो अपने बच्चों का बड़ा गर्क करती है, बजाय उसको समझाने के मुझे समझा रही हो, और वो नवाबजादा लेटा हमारी बातों पे हंस रहा होगा। तुम्हें नहीं पता तुम सो रहे थे, मैंने दरवाजा खोला था। झूठ, ये घर में था ही नहीं। मामा झूठ नहीं बोल रहे, तुम्हें बचा रहा है। तुम तो मुझ पर इल्जाम लगाओगे ना, तुम्हें तो मेरी मोहब्बत ही बुरी लगती है। मैं माँ हूँ, तुम्हारी तरह जालिम नहीं हूँ। मैं जालिम हूँ तो और क्या, हर वक्त डांट डपट करते रहते हो, कभी प्यार मोहब्बत से समझाया तुमने इसे? आमिर ये तुमने क्या किया? शायद हमने अपने हाथों से अपने आप को तबाह कर लिया। आप सही कहते थे, मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ। क्या उस दो टके की औरत को ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगी? क्या वो मेरा फ्यूचर क्या बर्बाद करेगी? मैं उसका फ्यूचर ही मिटा दूंगा। हाँ हाँ बात सुन, अब मेरे लिए किसी बंदे को गायब कर देना या मरवा देना मामूली बात है, छोटे मोटे लोगों से ताल्लुकात नहीं है मेरे। वजीर आला तक रसाई है मेरी, वजीर आला तक, और ये जो चार पांच मौजूदा एमएनए एमपी है ना, दोस्त है मेरे दोस्त, बड़ा ख्याल करते हैं। क्या तो जानता हूं मैं इन तबाही को, बड़ा माल खिला चुका हूं मैं उसे, एक एक पाई का हिसाब मौजूद है मेरे पास, अगर खाता खोल दिया ना तो नवाबजादी के होश उड़ जाएंगे। जानता हूं उसे आजकल एक नया यार मिल गया है, खूब समझता हूं ऐसी किराए की औरतों को साली। क्या ओए गुंडे शुंडे तो हम भी रखते हैं, जो गार्ड शार्ड होते हैं ना, ये सियासी लोगों का शशका होता है, रखने पड़ते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, हाँ शुक्रिया इन्फॉर्मेशन देने का, ठीक है ठीक है। ओ हाँ इनाम भी मिल जाएगा, ठीक है। साली तवायफ जानती नहीं है तेरा टाकरा चौधरी कमाल से बड़ा है।
देख लूंगा तुझे। अल्लाह बचाए ऐसी औलाद से। आमिर बाप को देखने और मिलने तक नहीं गया है। तहसीन का तो बहुत बुरा हाल। तौबा तौबा तौबा, कितना रोती है वो। उधर जाहिद अलग परेशान है जेल में, और बेटे को देखो, वो एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद बाप से मिलने तक नहीं गया। आमिर को जाहिद चचा के लाड ने बहुत बिगाड़ दिया था, और आप लोग मेरी बात नहीं मानते थे। वो शख्स शुरू से ही इंतहाई झूठा और मकार था। उसकी वजह से बेचारी अरूबा की जिंदगी बर्बाद हुई। तहसीन चची को सजा मिल रही है। किसी बेगुनाह और नेक इंसान पर बोहतान लगाना बदतरीन गुनाह है। लो अब तुम अरूबा को बीच में ले आओ। अरे क्या बर्बाद हुई है उसकी जिंदगी। चौधरानी बन के महल नुमा घर में राज कर रही है अकेली वो। वैसे अल्लाह ऐसा राजपाट किसी को ना दे। क्या कमी है उसे। हाँ सारा खेल खेल के पाक दामन बीबी बनी हुई है। अल्लाह ऐसे को ही ढील देता है। पर मैंने क्या किया था। फिर भी दुनिया भर की नजरों में जलील रुस्वा होके रह गई हूं। बेगुनाह होते हुए भी बकास ने मुझे गुनाहगार बना डाला। और ये अरूबा, अल्लाह गरक करे इसको, बर्बाद कर दे इसकी जिंदगी। मत रो मेरी बच्ची, अल्लाह तेरे दुख का मदारा करेगा। मैंने ऐसे क्या किया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। देख लिए तुमने उस मासूम के कारनामे। तुम ही सबसे ज्यादा उसको सपोर्ट करती थी ना। मैं अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हूं आपी कि अरूबा ने दानियाल भाई को फंसाया। तुम मानो या ना मानो लेकिन जमाना जान गया है। जमाने को बताने वाले भी हम ही लोग हैं आपी। अरूबा को हम बचपन से जानते हैं। इतना बड़ा बोहतान, उस पर इल्जाम लगाकर हमने खुद को शर्मिंदा किया है। तुम्हारी इन गवाहियों से उसका जुर्म नहीं छिप सकता। थानियाल से शादी करना चाहती थी वो। हालांकि मैं भी दानियाल से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और अम्मी अबू तो मेरी शादी भी कराना चाह रहे थे। और हाँ मैं एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे फोन नहीं करिएगा। आमिर यहाँ से कहाँ जाना है दादा। वो बेटा जो दरख्त नजर आ रहे हैं ना, वो अरूबा का गांव है। दो तीन दिनों से तू बहुत लापरवाह हो गई है, ना घर पे ध्यान है ना खाने पे। एक बात ध्यान से सुन लो मलका रानी, मुझे आवारा सोच रखने वाली और घर पे ध्यान ना देने वाली औरतों से नफरत है, नफरत। धड़कने जिनसे बंधी है उन्हें तन्हा ना करो। बहता